बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके लिए न्यू रस भी लेकर हाजिर हो गए हैं, पपीता ड्रिंक की। पपीते के बेशुमार फायदे हैं, आज हम आपको बताते हैं। मोटापा कम करता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले एक पैन में हम पानी लेंगे, 4 कप। उसको हम अच्छे से बॉयल कर लेते हैं। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है। 1 कप हम साबुदाना डालेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे। 1 पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे और 1 पैकेट जेली का डालेंगे। जब पानी अच्छा सा बॉयल हो जाएगा तो जेली हमारी अच्छी सी मिक्स हो गई है। इसी तरह से मैं रेड और ग्रीन भी बना लूँगा। एक पपीता लेंगे, हाफ हम यूज़ करेंगे। मैंने आपको बताया इतने बेशुमार इसके फायदे हैं, अगर बताने लग जाएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसे हम इसको काटेंगे अच्छे से, ये चीज़ भी इसकी उतारनी है ऊपर से ऐसे। और इसके बीज भी बहुत फ़ायदेमंद है, किसी भी गमले शमले में लगा जाए फ़ौरन पौधे बन जाएंगे आपके घर में। हाफ पपीता मैंने लिया है, ऐसे ही मैं उसकी सारी कटिंग कर लूँगा। इस तरह स्लाइस कर लेंगे। साबुदाना हमारा अच्छे से पक गया है, अब मैं इसको छान लेता हूँ और ठंडे पानी से धो लेता हूँ। सबसे पहले पपाया डालेंगे, 3 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क डालेंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे, 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क है, 1 गिलास पानी डालेंगे, आइस क्यूब्स डालते हैं और इसी तरह हम सब फिर ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें हम साबुदाना मिक्स करते हैं और ठंडा होने के लिए 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। जेली हमारी रेडी है, तीनों रेड भी, ग्रीन भी, येलो भी, इनकी हम कटिंग कर लेते हैं। अच्छे से ठंडा हो गया, फ्रिज से हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें कलरफुल जेलियाँ डालते हैं, रेड थी, ग्रीन है, येलो है। हमारा ड्रिंक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक जग लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे, इसमें रेड जेली डालेंगे, ग्रीन जेली डालेंगे, येलो जेली डालेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। रमज़ान के लिए स्पेशल ड्रिंक है, ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अच्छी वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।